बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ये है कि सल्फर जो है इसकी कितनी अहमियत है गंदम पर। तो उसके लिए आप मेरी पूरी वीडियो देखें तो मैं आपको इसमें बता दूंगा कि सल्फर जो है हमारे ज़मीनों के लिए कितना ज़रूरी है। सल्फर जो है उसका गंदम पर इस्तेमाल करना कोई ज़रूरी नहीं। पंजाब की अक्सर ज़मीनों में सल्फ़र की काफ़ी मकदार पहले से ही मौजूद होती है और इसके लिए आप सल्फ़र जो है वो इस्तेमाल ना भी करें तो काम चल जाता है। जो बीमार ज़मीनें हैं वहाँ पर आप सल्फ़र जो है बुवाई के वक्त या रौनी के वक्त इस्तेमाल करें तो उसका फ़ायदा ज़मीनों को होता है। उसके अलावा आप ये समझ लें कि सल्फ़र का जो पौधे पर असर कोई नहीं होता, ये सिर्फ ज़मीनी असलाह को बेहतर करता है। तो बीमार ज़मीनों के लिए आप रौनी के वक्त सल्फ़र इस्तेमाल कर दें तो उसका फ़ायदा आपकी फसल को होगा। उसके अलावा अगर आपने सल्फ़र इस्तेमाल करना भी हो तो 2 किलो फी एकड़ जो है यूरिया खाद के साथ मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदा जो है वो आपकी फसल को ज़रूर होगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कलराठी ज़मीनों में गंदम के अलावा आप बाकी तमाम ज़मीनों पर सल्फ़र लाजमी इस्तेमाल करें। बरानी इलाकों में भी आप सल्फ़र जो है वो बिजाई के वक्त इस्तेमाल करें तो इसका आपको रिज़ल्ट बेहतर से बेहतर मिलेगा। अल्लाह।